आज जहां पूरे देश भर में बाल दिवस मनाया जा रहा है, वहीं करनाल के प्रकाश पब्लिक स्कूल में बाल दिवस बड़ी धूमधाम से मनाया गया। इस अवसर पर मुख्य अतिथि के रूप में पहुंचे स्वच्छ भारत मिशन के कार्यकारी वाइस चेयरमैन सुभाष चंद्र। वहीं सुभाष चंद्र ने बच्चों को बाल दिवस की दी बधाई और इसी दौरान सुभाष चंद्र ने प्रतिभावना छात्र छात्राओं को सम्मानित भी किया। इसी दौरान उनके साथ नवजोत सिंह संधु, भाजपा युवा नेता सुखदेव कांगड़ा, सुभाष त्रेयान, प्रधानाचार्य सुशील राणा, डायरेक्टर ओपी चौधरी, वाइस प्रिंसिपल अनुप्रिया, एमडी सरोज चौधरी सहित अन्य अध्यापक भी मौजूद रहे। बढ़ाने वाली ऐसे श्रीमती अनुप्रिया मैम जी, मंच पर विराजमान भारतीय जनता पार्टी के वरिष्ठ नेता, जिला कष्ट निवारण समिति के सदस्य श्री नवजोत संधु जी, भारतीय जनता पार्टी के जिला उपाध्यक्ष कष्ट निवारण समिति के सदस्य श्री सुखदेव जी, हमारे बीच में बहुत ही मेहनती समर्पित सेवानिवृत्त प्रबंधक भारतीय खाद्य निगम आदरणीय श्री सुभाष त्रेहन जी, और काफी देर से इस कार्यक्रम की गरिमा और शोभा को बढ़ा रहे ऐसे सभी प्रकाश पब्लिक स्कूल के बहुत ही अनुशासित प्यारे बच्चों, अध्यापक अध्यापिकाओं, आज हम सबके लिए, विशेषकर विद्यार्थियों के लिए, बच्चों के लिए बड़ा हर्ष का और गौरव का दिन है, क्योंकि आज हम बाल दिवस मना रहे हैं। और प्यारे बच्चों, भारत के जो बाल हैं, बालक हैं, बालिकाएं हैं, यदि हम थोड़ा सा इतिहास पर नजर डालेंगे तो हम सबको ध्यान में आएगा, भारत का इतिहास, हमारा इतिहास वीर बालक बालिकाओं से सुशोभित है, सजा हुआ है। हमने विद्यार्थी हैं, सबको अपने अपने जीवन को आगे बढ़ाना है, अपने लक्ष्य को प्राप्त करना है। तो प्यारे बच्चों, यदि आपके अंदर कुछ प्राप्त करने की प्रतिज्ञा है, संकल्प है, तो दुनिया की कोई ताकत आपको आगे बढ़ने से रोक नहीं सकती। विद्यार्थियों की ये पहली कसौटी है, पहली सीढ़ी है कि हमें प्रतिज्ञित होना पड़ेगा, संकल्पित होना पड़ेगा, संकल्पित होना पड़ेगा।